चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पहाड़ में सियासी तापमान में तेजी आ गई है, यानी कि अपनी जीत का दावा कर रहे माननीय अब घर घर जाकर वोट मांगने के लिए तैयार कर रहे हैं। और वही विकास की गाथा का खूब ढोल बज रहा है, लेकिन जिन गांवों को सांसद ने गोद में लिया था उनकी जमीनी हकीकत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। उन गांवों के लोगों ने अपनी मानवीयता की शक्ल तक नहीं देखी है और ये भी बताते चले कि ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए आएंगे तो उनके बाद पलायन खुद कर जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में सांसदों का फटा विकास का ढोल, गोद लिए गांव भूले, ग्रामीणों ने खोल दी पोल। चुनाव में ग्रामीणों की माननीयों को आई याद, पलायन को मजबूर ग्रामीण, नहीं सुनी फरियाद। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी हिमपात के बीच सियासी दल एक दूसरे पर जमकर आग के गोले बरसा रहे हैं, यानी एक दूसरे की पोल खोलने और अपने विकास का दावा ठोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सत्ताधारी बीजेपी अपने विकास के नाम पर जनता के बीच जाने और एक बार फिर से प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, लेकिन विकास के दावे की हकीकत को आईना दिखा रहे हैं वो ग्रामीण जिनका माई बाप होने की माननीय सांसदों ने कसम खाई थी। मानो अनाथ गांव को गोद लेकर विकास की गंगा बहाने का बैनामा कराया था। अब सालों बीत जाने के बाद ग्रामीणों से जमीनी सच्चाई सुनिए। सर, हमारे वहाँ तो कोई ऐसा विकास ही नहीं हुआ। जब से उन्होंने हमारे गांव को गोद लिया है तब से वो इस गांव में आए ही नहीं है ना, इस गांव में देखा ही नहीं हम लोगों ने। कभी आते हैं बसोली से ही गाड़ी में चले जाते हैं, यहाँ कोई ऐसा गोद लिया है नहीं लिया है, हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। वो बोलते हैं कि लोग की गोद लिया है, बट यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हमारा गाँव है सीमा गाँव, वहाँ को क्या कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर पैदल हम लोगों को रात में जाना पड़ता है। और गुलदार का इतना आतंक हो चुका है हमारे गांव में कि कुछ मत कहो कि दिन में ही वो 12-1 बजे गुलदार जानवरों को मार दे रहा है। अब जब तक उसे मवेशी मिल रहे हैं, जानवर मिल रहे हैं, तो वो तब तक जानवरों को मारेगा, कुछ टाइम बाद इंसानों को भी उसने मारना है। सांसद जी तो कहाँ, यहाँ इतने छोटे से गांव को उन्होंने लिया तो वो जरूर, बट यहाँ कुछ भी नहीं देखा, न हुए यहाँ आए, बस अभी चुनाव के टाइम में आएंगे वोट मांगने के लिए। गाँव में कोई गरीब है कुछ है, उनके लिए सब एक समान है, है? और वो यहाँ के लिए उन्होंने ना गरीब देखा ना अमीर देखा ना कुछ नहीं देखा, ना रोड देखा ना सड़क देखी ना कुछ नहीं देखा, ना किसी की समस्या नहीं देखी। जिसका आदमी चले जाता है वो बेचारे का कमाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ देखा नहीं है। इसी स्थिति में हम क्या करते हैं? और यहीं से जीते हैं वो। अच्छा, और गाँव की स्थिति क्या है? खराब है, गाँव की खराब है ना, बहुत खराब है। माननीयों को आईना दिखा रहे गोद लिए गांव के ग्रामीणों पर सत्ताधारी बीजेपी के बयान से आप अपना ज्ञानवर्धन जरूर कीजिए। कांग्रेस के 2 गांव मुद्दा बनाने कुछ होने वाला है, मैं जानता हूं। जब वो गांव गोद ले गए तो उसकी वर्तमान उस समय स्थिति क्या थी, वही गांव प्रधानमंत्री जी वो गांव गोद लेने को कहा था जहां अभी तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंची है। आज 70 से 80% सुविधाएं उन गांव के अंदर गई हैं, कुछ रह गई हैं, आगे उनको पूरा करना है, लेकिन 0 था विकास बढ़ा है। चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष की हर हलचल पर नजरें जमाए बैठे विपक्ष की आंखों में इस मुद्दे पर उम्मीद की ऐसी बत्ती जली कि मानो अब चुनाव में जीत पक्की हो गई हो। निश्चित ही मैं लगातार इस मामले को उठा रहा हूँ, हमारे प्रत्याशी भी हमारे कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं, और मैं तो लगातार आप लोगों के माध्यम से कह भी रहा था कि जब G20 की टीम आई, अगर सांसदों के द्वारा लिए गए गोद लिए गए गांव अगर कुछ उन्नत हुए होते तो वहां वो लेके जाते। G20 की टीम को ले जाने के लिए इनको एक नए गांव को चुनना पड़ा, उसको सजाना संवारना पड़ा और वहां ये लेके गए। सांसदों ने जिन गांवों को गोद में लिया था वो आज भी गोद में है, वो पैदल चलने की स्थिति में नहीं हुए, वो बच्चे बड़े नहीं हो पाए हैं। तो सुना आपने, कांग्रेस तो कब से इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम कर रही है। खैर, चुनावी परिणाम जो भी हो, लेकिन एक एक गांव को गोद लेने वाले माननीय सांसद थोड़ा सा भी इन गांव पर परिवार के मुखिया के नाते नजर रखते तो शायद आज ग्रामीणों के ऐसे हालात नहीं होते। इसीलिए कहा जा रहा है कि देवभूमि में सांसदों का फटा विकास का ढोल, गोद लिए गांव भूले माननीय, ग्रामीणों ने खोल दीपो। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।